तो गाइज मैं आपको बताऊंगा आने वाले Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी और ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में हमें किस प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो कि Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी और फाइनली ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में किस कीमत में लॉन्च किया जाएगा तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आइकन को भी जरूर दबाए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों देखा जाए तो ये स्मार्टफोन हमें ग्लास बैक के साथ मिलेगा जहां हमें स्क्वायर टाइप में क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन एकदम बढ़िया स्मार्टफोन होगा। फ्रंट साइड की बात करें तो मोबाइल फोन पर दोस्तों हमें एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी कि मोबाइल फोन पर लगभग हमें 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर हमें डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, यानी कि जैसे हमें पोको X2 और Realme 6 Pro स्मार्टफोन पर डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर हमें डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है, तो वही डिस्प्ले हमें दोस्तों Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर भी देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में एक बढ़िया स्मार्टफोन होगा और लीक्स आ रही है कि दोस्तों इस स्मार्टफोन पर भी हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में एक बढ़िया स्मार्टफोन होगा जिससे हमें कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइज अब बात करते हैं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के प्रोसेसर से। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले लीक्स निकल कर आई थी कि आने वाले Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर हमें MediaTek Dimensity 800 का SoC देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत से स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये स्मार्टफोन Dimensity 800 SoC के साथ लॉन्च किया जाएगा जहां हमें ओबियसली 5G नेटवर्क भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये स्मार्टफोन 4G वेरियंट में देखने को मिलेगा या 5G वेरियंट में या दोनों ही वेरियंट में हमें देखने को मिलेगा, बट मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन हमें इंडिया की मार्केट में 4G वेरिएंट में देखने को मिलेगा। अगर हम रैम और स्टोरेज की बात करें तो ये स्मार्टफोन हमें 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ मिलेगा, जहां दोस्तों डेफिनेटली हमें माइक्रो एसडी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा। देखा जाए तो ये स्मार्टफोन प्रोसेसर के मामले में एकदम बढ़िया स्मार्टफोन होगा जिससे हम एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हैं, यानी कि 15,000 रुपए की प्राइस में ये स्मार्टफोन एकदम वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। तो अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे की। तो दोस्तों हाल ही में ही Xiaomi के CEO ने एक ट्वीट डाला है जिसके नीचे लिखा है कि 9 से 12 होने का टाइम आ गया है। अगर हम 9 से 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है, यानी कि दोस्तों साफ साफ पता चलता है कि Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों 15,000 रुपए की प्राइस में Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों 99% तक कंफर्म है, मेरे हिसाब से तो ये 100% कंफर्म है, आने वाली Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा जहां हमें अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों चांस है कि इस पर हमें टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल सकता है, हालांकि दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं है। सेल्फी के लिए दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बढ़िया कैमरे देखने को मिल जाएंगे। देखा जाए तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन कैमरे के मामले में एकदम लाजवाब स्मार्टफोन रहने वाला है। तो बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी की। तो ये स्मार्टफोन एक बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा जहां हमें 27 वाट के फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा। देखा जाए तो अब तक ये स्मार्टफोन जितने भी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई ये एकदम बढ़िया स्पेसिफिकेशन है। अगर ये स्मार्टफोन सेम इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया जाता है तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 15,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में तहलका मचा देगा। देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन एक बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। वही मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 और MIUI 11 का सपोर्ट मिलेगा और सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए मोबाइल फोन पर हमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, यानी कि ये स्मार्टफोन एक अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा और कब लॉन्च होगा। जैसे कि Redmi की तरफ से कंफर्म हो गया है कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में 12 मार्च को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा और दोस्तों मोबाइल फोन का जो लॉन्च इवेंट होगा वो दोस्तों ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन रहने वाला है। बट दोस्तों Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन हमें 15,000 रुपए के प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस अब की बार हमें थोड़े ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये स्मार्टफोन हमें 16,000 और 17,000 रुपए के बीच में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये तो साफ साफ हमें 12 तारीख को पता चल जाएगा कि Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन किस प्राइस में
लॉन्च किया जाता है। बट मेरे हिसाब से अब की बार ये स्मार्टफोन हमें थोड़े ज्यादा प्राइस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो गाइस मुझे पूरी पूरी आशा है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर कौन सी स्पेसिफिकेशन सबसे बेस्ट लगी, क्या आप इस मोबाइल फोन को खरीदना चाहोगे या नहीं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए गाइस अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।